स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा पारित आदेश की हो रही है अवमानना। स्कूल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा को लेकर अभिभावकों सहित कांग्रेस ने उठाए सवाल। स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 19/6/2020 जारी आदेश में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पूरे प्रतिबंधित है तथा कक्षा 6 से लेकर 8 तक दिन में सिर्फ 2 लेक्चर ही अनिवार्य है, परंतु स्कूल प्रशासन द्वारा अपने स्कूल की फीस के हित को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है और कक्षा 6 से 8 तक बेहिसाब किताब वर्कलोड दिया जा रहा है, जिससे बच्चे स्कूल में भी समझ नहीं पाते। बच्चों को उन्होंने समझाने के लिए पालकों स्कूलों के अध्यापिकाओं के यहाँ ट्यूशन के लिए भेजना पड़ता है। वे ऑनलाइन पद्धति से कैसे पढ़ाई करेंगे? ऐसे में स्कूल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा की सूचना देना कहीं ना कहीं छात्राओं के साथ खिलवाड़ कहलाएगा। स्कूल में स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत वहाँ के कमिश्नर है श्री लोकेश जाटव जी, उनके द्वारा कहा गया है कि 9वीं से 5वीं तक कोई भी बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा। उसके बावजूद रतलाम शहर के लगभग सभी स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और 6वीं से 8वीं तक प्रतिदिन 2 लेक्चर अलाउ है। में 5-5, 6-6 पेजों का कोर्स दे रहे हैं और साथ में कॉन्वेंट जैसे स्कूल तो 30 तारीख से क्वार्टरली एग्जाम आरोपित कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे अभाव की स्थिति में जब बच्चा सामने बैठ के स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाता, उसको ट्यूशन करनी पड़ती है, तो ये ऑनलाइन ऐसा क्या पढ़ा लेंगे कि बच्चा एग्जाम दे देगा? कुल मिलाकर के फीस को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक जिलाधीश महोदय को दिया है और साथ में 2 प्रतिनिधियां स्कूली शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री सदन प्रभार उनको दी है और साथ में लोकेश जाटव जी को दी है। तो कृपया इसको सूचना में लेकर के अनुरोध करें। मैंने प्रति